तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, वो है यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम्स। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, बाकी सब सेट्स इसके सबसेट होते हैं एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि अ सेट, ऑल सेट्स आर सबसेट्स, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ अ बेसिक सेट, ऑफ अ बेसिक सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट सेट इज कॉल्ड, दैट बेसिक सेट इज कॉल्ड, that basic set is called universal set, is called universal set। देखो नाम बता रहा है कि ये सब का सारे elements जो है या सारे sets जो है given context में, सारे sets एक given context में इस set के subset होंगे, और इसको denote करते हैं हम लोग U से, इससे capital U से। देखो कैसे, अब मैंने क्या किया, एक सेट लिया ए, माना कि ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ए, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या आएंगे एलिमेंट्स, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 2, 4, 6 डॉट 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 सो ऑन ये आएंगे। अब मैंने लिया एक सेट लिया बी, B क्या है आपका, B एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स, और ये आ जाएगा आपको 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तीन डॉट लगाते हैं यूजुअली ना, कंपल्सरी नहीं पर यूजुअली। C आएगा आपका, मैंने एक C सेट और लिया है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये आएगा 1, 2, 3 सो है ना। अब आप इस चीज में देखो कि जो ए है आपका, ए सबसेट ऑफ सी, तो ए है आपका सबसेट ऑफ सी, बी भी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी। तो इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में जहां पे तीन ही सेट्स हैं मेरे पास, जो सी है, सी इज यूनिवर्सल सेट, सी इज यूनिवर्सल सेट, सी इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक और सेट ले लूं, माना डी ले लिया मैंने ये सेट, तो जो डी है मेरा, डी मैंने लिया, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना। तो जो आपका C वाला सेट है, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और A भी सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का, और B भी सबसेट हो जाएगा आपको रियल नंबर का। तो अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में A B C D चार सेट्स हैं, तो जो ये D है ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आई होप ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। और अब चांस रहेगा कि वेन डायग्राम से हर बार एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेन डायग्राम्स क्या है, जो जो हमने पढ़ा अभी तक, जो बेस बनाया, वो सब अब वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये आप ध्यान सुनना, इसका हर बार एक सवाल आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी करना है और ध्यान से सुनना भी है। तो वेन डायग्राम्स क्या होता है, वेन डायग्राम है ना। तो अब आप देखो वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम में क्या होगा आपके पास, ये क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सेट्स एंड सबसेट्स है। क्या है ये? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स। मतलब इसमें क्या है ना, आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप क्या यूज कर सकते हो, बहुत सारी, जैसे आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, सर्कल यूज कर सकते हो, इलिप्स यूज कर सकते हो, या कोई भी ज्योमेट्री यूज कर सकते हो इन सबको दिखाने के लिए। पर कुछ नॉर्म्स हैं जो हम लोग यूजुअली फॉलो करते हैं। एक रेक्टेंगल मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये जो रेक्टेंगल है इसको हम हमेशा यूज करेंगे एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग क्या यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल, ठीक है। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल। ये भी कंपल्सरी नहीं है, पर जनरली, नॉट जनरली, यूजुअली हम लोग यूज करते हैं सर्कल किसी भी सबसेट को दिखाने के लिए, और रेक्टेंगल यूज करोगे आप यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए। तो ये आ गया आपका सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्कल, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए, माना कि ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक मैंने ले लिया इसका सबसेट, वो है 1, 2, 3। तो अगर अब मुझे इसको वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले तो बनाया एक रेक्टेंगल, उसमें आ गया यूनिवर्सल सेट, तो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया 1, 2, 3, कहीं भी तो 4, 5, 6, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए इस यूनिवर्सल सेट में जिसका नाम है ए। इसका नाम क्या है? ए। अब इस यूनिवर्सल सेट में आपको दिखाना है बी को भी, तो मैंने क्या किया, बी को सर्कल से दिखा दिया। तो देखो ये वाले मैंने जानबूझ कैसे बनाया था ताकि मैं इसको सर्कल बना दूं, तो ये बी आ गया। तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट भी हो गया, रेक्टेंगल से हमने यूनिवर्सल सेट दिखा दिया, और बी हो गया ए का सबसेट हो गया, और सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा बी, ये हो गया बी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग दिखाएंगे रेक्टेंगल से, और सर्कल से आप यूजुअली दिखाते हो किसको, सबसेट को, ठीक है। तो और थोड़ी बात करते हैं इस पे। मानो कि मैंने अब ए बी लिया और एक सी भी ले लेता हूं मैं। एक सेट लिया मैंने सी जो है, जिसमें एक एलिमेंट है 1। तो अब मुझे इसको अगर दिखाना हो तो मैं पहले तो क्या बनाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये मेरा ए सेट के लिए हो गया, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में ए जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो मैं स्टार्ट करूं पहले सी बनाता हूं सबसे पहले। चलो ये 1 आ गया, तो 1 को मैंने डाल दिया सी में। फिर मुझे बी बनाना था, क्योंकि सी अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो सी बी का भी सबसेट है। सी क्या है, बी का भी सबसेट है। तो मैंने इसके बाहर एक सर्कल बनाया और इसमें लिख दिया 2 और 3। तो अब ए भी बन गया मेरा जो अंदर वाला सर्कल है, बी भी बन गया जो ये थोड़ा बाहर वाला सर्कल है, और जो सी है, सॉरी ये ए नहीं था, ये बी, ये है अपना सी, ये है बी, और जो ए है आपको यूनिवर्सल सेट है उसमें कितना बच गया, 4, 5, 6 एक्स्ट्रा है, तो 4, 5 और ये 6 मैंने आ गया। तो अब ये पूरा सेट बन गया मेरा जिसका ए यूनिवर्सल सेट है, बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और सी जो है वो बी का भी सबसेट है, सी जो है वो बी का भी सबसेट है, ठीक है। तो आपको शायद और क्लियर हो गया होगा ये कि वेन डायग्राम हम लोग कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ओके। तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, अब थोड़ा पहले बता दूं कि हम लोग ये यूनियन क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि नंबर्स होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 7 तक नंबर्स है मेरे पास, तो नंबर्स तक तो हम रुक नहीं गए, हम लोग ने फिर क्या बनाया, एडिशन बनाया, 1 + 2 = 3, 8 + 5 = 8, सब्सट्रैक्शन बनाया, मल्टीप्लीकेशन बनाया, डिवीजन बनाया, है ना। तो हमने क्या किया, बाद में ऑपरेशंस बनाए ताकि हम उन नंबर्स के साथ प्ले कर सकें, उन नंबर्स का और अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। अगर नंबर्स तक ही रुक जाते तो फिर बात ही खत्म हो जाती,
तो फिर हम लोग को ऐड करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, है ना। तो जैसे नंबर्स में आपके पास कुछ ऑपरेशंस थे, वैसे ही आपके पास सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस है। ये दिस नथिंग बट ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कि आप क्या क्या और कर सकते हो सेट्स के साथ। तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग। तो कॉम्बिनेशन बनाने का सबसे पहला तरीका है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन क्या होता है कि पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट, इज अ सेट, वो एक सेट है, इज अ सेट विच कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइदर, आइदर सेट ए और सेट बी, और सेट बी। मतलब देखो हम समझते हैं क्या है ये, और इसका जो सिंबल है वो है ये यू वाला जो सिंबल है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइदर ए और बी। तो आप देखो अगर मेरे पास कोई सेट है ए, ये है मेरा सेट वन टू थ्री, और एक सेट है मेरे पास बी जो है थ्री फोर फाइव, ये दो सेट्स है मेरे पास। अगर मैं कहूं कि मुझे यूनियन निकालना है किन्हीं भी दो सेट्स का, तो देखो ऐसे लिखता हूं ए यूनियन का सिंबल बी, ए यूनियन बी आएगा आपका इस सेट में। ये भी एक नया सेट बनेगा, उसमें क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स होंगे वन टू थ्री, और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा थ्री थ्री देखो दो बार आ रहा है, और रोस्टर फॉर्म में मैंने कहा था कि हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो एक ही बार लिया थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, तो क्या हो गया यूनियन हो गया। अब देखो इसमें ए के एलिमेंट्स हैं सारे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो इट्स कॉल्ड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। आप इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो कैसे, कि माना मैंने वेन डायग्राम बनाया, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया इनका, और अगर आप देखो तो ये जो दोनों सेट में नंबर लिखे हुए हैं वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो आप चाहो तो नेचुरल नंबर को भी कंसीडर कर सकते हो इसका यूनिवर्सल सेट। तो अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और मुझे ए बनाना है अगर इसके अंदर, तो ए में क्या है देखो वन टू थ्री, तो एक सेट बनाया मैंने ए, ए में है वन, एक है टू और एक है थ्री, और एक सेट बनाया मैंने बी। अब बी में देखो एक खास बात है, बी और ए में ये जो एलिमेंट थ्री है ना वो कॉमन है, तो ये इन दोनों में इंटरमिंगलिंग होगी, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे थ्री और फोर फाइव मैंने यहां लिख दिया फोर फाइव, ये हो गया सेट ए, ये सेट हो गया सेट बी। तो अगर कोई मुझे पूछे ए यूनियन बी को आप दिखाओ किसमें, वेन डायग्राम में, तो ये पूरा जो पोर्शन है हैश्ड पोर्शन, देखो मैं जो बना रहा हूं जिसको मैं हैश बना रहा हूं, तो ये जो कवर्ड पोर्शन है ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन। आपको बात समझ में आई होगी, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट हो, और क्योंकि सेट में हम जनरली एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो एक ही बार लिखते हैं, वो एक ही बार बनाते हैं। तो आपको ये पिक्टोरियल व्यू भी इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ ओके तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं। देखो मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया आपके आगे, तो प्रॉपर्टी देखो पहला प्रॉपर्टी है मेरे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जो ए का अगर आप बी के साथ यूनियन करो या बी का ए के साथ यूनियन करो तो वो सेम ही आता है, वो क्या आता है सेम ही आता है। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं कम्युनिटिव लॉ। अच्छा कम्युनिटिव आई थिंक आपको पता होगा कि कम्युनिटिव, जैसे अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं वन प्लस टू, चाहे मैं वन को पहले लिखूं या वन को बाद में लिखूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको कम्युनिटिव बोलते हैं। पर एक बार बताओ अगर मैं वन माइनस टू लिखूं और इसको इक्वल लगाऊं टू माइनस वन, क्या ये बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि देखो इससे क्या आएगा माइनस वन आएगा और उससे क्या आएगा वन आएगा, तो माइनस वन और वन बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो
ये कम्युलेटिव फॉलो नहीं करता, प्लस वाला फॉलो करता है पर माइनस वाला नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो होता है कम्युलेटिव की बात होगी कि कम्युलेटिव होता क्या है। अब आप देखो कि अगर मुझे यूनियन में देखना हो कि क्या यूनियन कम्युलेटिव फॉलो करता है क्या, तो आप देखो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करूं, तो जनरल वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग ए और बी का, मानो कोई भी जनरल एक ए सेट है और एक बी सेट है, ये ए हो गया सेट और ये क्या हो गया बी सेट हो गया। अब अगर मुझे कोई बोले कि इनका ए यूनियन बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में देखो क्या क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। और बेटर मैं इसको कैसे पढ़ता हूं ना वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं हमेशा कि इनको नंबरिंग कर देता हूं, इसको मैं लिख दिया वन नंबर, इसको लिख दिया मैंने टू नंबर और इसको क्या लिख दिया मैंने थ्री नंबर। तो अगर अब मैं लिखूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपको हैश्ड पोर्शन तो डायग्राम से दिख ही रहा है, और अगर आप देखो तो क्या ये वन प्लस टू प्लस थ्री वाला पार्ट नहीं है, यही तो ए यूनियन बी है। और अगर आप बी यूनियन ए बी करोगे तो भी तो यही पार्ट आएगा थ्री प्लस टू प्लस वन, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है क्योंकि इनका दोनों का वेन डायग्राम सेम आएगा तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए जो पहला है आपका ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए बिल्कुल सही है, और यूनियन हमेशा आपको कम्युनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है। ऐसे सेकंड देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या क्या इसने एसोसिएट कर दिया, एक बार इसने ए बी को साथ में लिया, फिर एक बार इसने बी सी को साथ में लिया, और बोल रहा है कि ये सब सेम ही बात है। तो हम लोग ये सब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने दो का वेन डायग्राम बनाया ना वैसे हम तीन का भी बना सकते हैं, और ये हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके कि तीन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी आएंगे, ये बहुत इजी है। तो एक सेट लिया मैंने ए, एक सेट लिया मैंने बी और एक सेट लिया मैंने सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये जनरल सेट हो गया मेरा सी, ठीक। अब आपको देखो मैं वही जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको क्या क्या करो हमेशा नंबरिंग कर दो, तो मैंने नंबरिंग वापस कर दी, यहां वन ये टू ये थ्री, इसको दे दो फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, इसको सेवन और जो बाहर है इसको नंबर दे दो एट, इसको नंबर दे दिया हमने एट। अब अगर कोई मुझे पूछे ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी तो अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या आएगा वन टू फाइव सेवन फोर और सिक्स, जो भी ए और बी में है वही आएगा ए यूनियन बी। और अगर कोई मुझे पूछे कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आना चाहिए, जो भी मैं हैश कर रहा हूं देखो ये सारा पोर्शन आना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी में, कि ए यूनियन बी यूनियन सी में ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे और सी के भी सारे एलिमेंट होंगे। और देखो कॉमन बार बार आ रहे तो कॉमन हम लोग रिपीट नहीं करते, तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिखूं तो ये आएगा आपके पास वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, यही सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो सेवन तक के जितने भी एलिमेंट है वो सब किसमें आ गए ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब अगर देखो आपने पहले अगर ए यूनियन बी किया, अगर सबसे पहले अगर आपने लिखा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर मैं यहां लिखूं तो मेरा ए यूनियन बी देखो क्या आएगा, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक आएगा वन, फिर आएगा आपको टू, फिर आएगा आपको फोर सेवन फोर सेवन, फिर आएगा फाइव, फिर आएगा आपको सिक्स, तो वन टू फोर सेवन फाइव सिक्स ये आ गए ए यूनियन बी में। और अगर आप सी देखो सी क्या है, सी में है आपके पास थ्री फाइव सेवन सिक्स, थ्री फाइव सेवन सिक्स, और अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है, पहले ए यूनियन बी लिया फिर आपको इसका यूनियन लेना सी के साथ, तो अगर आपने लिखना शुरू किया तो क्या आएगा, देखो एक वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा सिक्स आएगा सेवन आएगा, है ना।
अब देखो क्या क्या रिपीट हो रहा था, दो बार क्या है, फोर दो बार आया, और एक तो फोर आया मेरे पास, सॉरी रिपीटेशन मेरे पास क्या क्या आया आप देखोगे यहां से, तो एक आया सेवन रिपीट हो रहा था बस, ये सेवन रिपीट हो रहा था और सिक्स एक बार रिपीट हुआ ये, ठीक है। पर रिपीट वाले का तो हम एक बार लिखेंगे, तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी लिखोगे तो ये आपका यही बन जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखोगे ना तो वापस से आपके पास यही आ जाएगा वन, एक बार वन लिया, वन देखो ये वाला वन ले लिया, ये वन आ गया, ये टू उठाया टू आ गया, फिर थ्री यहां से ले लिया ये थ्री आ गया, फोर लिया मैंने यहां से ये यहां फोर आ गया, फिर फाइव लिया ये फाइव आ गया, सिक्स लिया सिक्स आ गया। अच्छा फाइव देखो दो बार आया तो मैं लूंगा कितनी बार, एक ही बार, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते हैं। फाइव आ गया, फिर सिक्स भी आ गया, देखो ये भी ये पहले हो गया ये भी सिक्स हो गया, एक ही बार लेंगे, और सेवन भी देखो ये भी दो बार है तो ये भी आपने एक बार ले लिया। तो ए यूनियन बी को करो पहले और फिर सी ले लिया तो आपका यही बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप चाहे अपने आप से करके देखना कि आप अगर बी यूनियन सी लेते और फिर इसको ए के साथ यूनियन करते तो भी आपको यही आ जाता, तो भी आपको यही आ जाता। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले आप चाहे ए का ग्रुप करो बी के साथ या बी का सी के साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो क्वेश्चन में हमको ये कई बार हेल्प करती है तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे, ओके। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, बोल रहा है ए यूनियन फाई, कि अगर आप किसी भी सेट का फाई मतलब नल सेट खाली सेट के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा। तो जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर मैंने लिया ए लिया ये है 1,2 और मैंने एक बी सेट लिया जो खाली है, तो अगर ए यूनियन बी आप इसका लिखोगे तो इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और उसमें बी के भी एलिमेंट होंगे, तो ए के एलिमेंट लिखे मैंने वन और टू और खाली तो खाली छोड़ दिया तो वन टू ही बन गया ये भी, तो ए यूनियन बी बना क्या, ये वन टू क्या ये ए ही है ना, तो यही लिखा है कि जो ए यूनियन फाई आप करोगे क्योंकि बी नल सेट था तो हमेशा क्या आएगा ए आएगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि आप फाई के साथ चाहे किसी का भी यूनियन लो, अगर आपने लिखा एक्स यूनियन फाई तो आप डायरेक्ट लिख दो उसको एक्स, क्योंकि फाई का कोई एलिमेंट नहीं है तो एक्स ही आ जाएगा। अगर बोला जेड एक सेट है उसका यूनियन लिया फाई के साथ तो भी क्या आ जाएगा जेड, तो फाई जो है ये फाई, फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन, आइडेंटिटी फॉर यूनियन, ये यूनियन फाई यू का साइन है वो यूनियन है, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी हो गई हमारी। फोर्थ देखो, फोर्थ बोल रहा है अगर ए का आप यूनियन ए के साथ ही लो तो क्या आएगा, तो मैं एक काम करता हूं ए को देखो दो बार लिख देता हूं, ए को मैंने दो बार लिख दिया और इसका यूनियन करके देखता हूं, ये 1,2 लिख दिया मैंने, तो ए यूनियन ए के आ जाएगा मेरे पास, उसमें ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और फिर ए के ही लिखना है तो रिपीट तो हम करते ही नहीं, तो ये आ गया ए यूनियन ए, और ये क्या है ये ए ही है, ये क्या है ए ही है, और इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ, क्या बोलते हैं इसको आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ। तो ये भी आपका फोर्थ भी हो गया। अच्छा इवन इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते थे कि अगर आपने कोई यूनिवर्सल सेट बनाया और ए बनाया इसका सेट ए, तो आप ए का यूनियन करोगे ए का दोबारा ए बनाओगे तो भी यही आएगा, और इसका यूनियन करोगे तो यही आ जाएगा, तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा आपको ए ही आ जाएगा, ए यूनियन ए क्या आएगा ए ही आ जाएगा, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। और फिफ्थ देखो, यू यूनियन ए, यू यूनियन ए, अगर ये यू है ये यूनिवर्सल सेट है और अगर आप इसका ए के साथ यूनियन करो तो यू यूनियन ए में क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और U के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब क्योंकि U में A के सारे एलिमेंट पहले से ही हैं, U में A के सारे एलिमेंट पहले से ही हैं, तो U का यूनियन अगर A के साथ करोगे तो U ही आ जाएगा, ये वेन डायग्राम से आपको दिख गया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आ जाएगा ये आपका हो जाएगा U यूनियन A, ये U अलग है, U यूनियन A आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक बात और मेरे को आप यहां से बता सकते हो कि देखो यू यूनियन ए से मुझे एक चीज और ध्यान आ गई, वो भी हम देख सकते हैं। माना कि मेरे पास कोई एक सेट है ए, ये सेट है 1,2,3,4 और एक सेट है मेरे पास बी, बी है 1,2, तो अगर आप ए यूनियन बी करो
तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 1, 2, 3, 4, ए के सारे एलिमेंट और फिर बी के भी सारे एलिमेंट बन जाए, तो ये 1, 2 पहले आ गए, तो ये आ गया। और आप देखो ये ए के बराबर ही आ गया, देखो क्यों आ गया, अगर आप वापस गौर से देखोगे ना इसमें, तो बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो सबसेट मतलब जो एलिमेंट बी में है, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जनरल एलिमेंट, ये बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो है, क्योंकि बी ए का सबसेट है, सॉरी ए बी ए का सबसेट है, तो वो एलिमेंट ए में तो जरूर होगा, तो पहले आ गया, ठीक है। तो इफ बी सबसेट ऑफ ए, तो अगर इफ मैं जनरल पॉइंट लिखता हूं, इसको याद भी कर लेना, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए, देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए, कब, जब बी ए का सबसेट हो, तो बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इवन चलो एक तरीका मैं इसको और बताता हूं समझाने का, कि आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। वो कैसे, कि आप क्या करो, आप ए और बी बनाओ, या आपने यूनिवर्सल सेट बनाया एक, और नेचुरल नंबर लिखता हूं मैं इसको यूनिवर्सल सेट, तो ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट, अब मैं इसमें ए लिखता हूं, चलो पहले बी लिख देता हूं 1 और ये 2, ये बी बना दिया मैंने, और ए में क्या आएगा, ए आया मेरा एक और सेट जिसमें बाहर आ गया 3 और 4। अब आप देखो, अगर ये ए, ये वाला सेट है बी, ये सेट है ए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ए यूनियन बी में कौन कौन सा पार्ट आता है, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, आइदर इन ए और इन बी। अब जो पहले जो बी में है वो वैसे ही ए में है, क्योंकि बी ए का सबसेट है, तो अगर मैं हैश लगाऊंगा ए यूनियन बी पे, तो यही तो लगेगा ना भाई, तो ए यूनियन बी पे हैश ए पे आ गया, तो वो क्या आ गया, वो ए ही आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। तो ये तीसरा तरीका भी हो गया आपको समझने का, इसीलिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सब, हर सेट यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होता ही है, तो कोई भी जनरल सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये यू ही आएगा, ये क्या आएगा, यू ही आएगा, ठीक है। तो आई होप अभी सब ये क्लियर हो गया होगा आपको, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इनके क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। देखो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, तो जो ये सेट्स बनेंगे वो भी इसमें भी कॉमन शब्द का यूज आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, पहले यूनियन में क्या किया था हमने, कि सारे एलिमेंट जो ए के थे वो भी लिए और सारे एलिमेंट जो बी के थे वो भी लिए, इंटरसेक्शन में उल्टा है। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो एलिमेंट्स ए में हैं और एंड जो एलिमेंट्स बी में हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों में वो लेने हैं। मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज अ सेट, इज अ सेट विच इंक्लूड, विच इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू टू सेट ए एंड सेट बी, एंड सेट बी, जो एलिमेंट सेट ए में भी हो और जो सेट बी में भी होंगे वही क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको आप रोस्टर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाओगे आप, कि एक्स क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्स जो है वो ए में भी होगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। अच्छा, इसका और मतलब भी साफ होगा, और इसका जो सिंबल है वो है ऐसा उल्टा, ये एंड, ए एंड बी, ए एंड बी। तो अगर मैं इसको यूनियन वाला भी ऐसे दिखाना पड़ता ना, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं ऐसे दिखाता, पहले क्या लिखता, वेरिएबल लिखता एक्स कोलन सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, और आ जाता बस यहां, और एक्स बिलोंग टू बी, और एक्स बिलोंग टू बी, तो ये होता मेरा यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कि ए एंड बी, या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है।
तो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, मानो ए है 1 2 3 4 और बी है मेरा 3 4 5 6, ये है मेरा ए और बी। तो अगर अब मुझे निकालना है कि ए एंड बी क्या आएगा, तो ए लगाया एंड का साइन लगाया बी, तो क्या क्या एलिमेंट होंगे ए एंड बी में, वो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, कॉमन। तो कॉमन देखो क्या क्या है, 1 दोनों में है कि नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है इन दोनों में और 4 भी है इन दोनों में, तो 3 कॉमा 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 कॉमा 4। ऐसे आप अगर ए यूनियन बी भी करते तो ए यूनियन बी में क्या आता है कि जो एलिमेंट ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आ जाएगा। तो ए एंड बी भी आपको क्लियर होगा और ए यूनियन बी भी आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो दोनों बातें क्लियर है हमारे को। ओके, अब कुछ और देखते हैं इसमें थोड़ा सा कि एक इसमें टर्म होता है डिसजॉइंट सेट्स। क्या टर्म होता है? डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन में ही एक प्रॉपर्टी है डिसजॉइंट सेट्स की, वो क्या होती है कि किन्हीं में दो सेट को डिसजॉइंट कब बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये मेरे को देखना प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, वहां भी मैं एक वर्ड यूज करूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसमें मैं डिसजॉइंट सेट का यूज करूंगा, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट कहता है ये वो सेट है, अ सेट टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ जाए, एक नल सेट आ जाए फाइव, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो दो सेट्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं उसको? डिसजॉइंट सेट। देखो कैसे, अगर मैंने कहा कि ए एक सेट है दैट इज ए बी सी डी और बी एक सेट है जो क्या है मेरा मानो 1 2, तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं, तो ए एंड बी क्या आ गया मेरा, ए एंड बी क्या आ गया मेरा 5, ए एंड बी क्या आ जाएगा मेरा 5, दैट इज अ नल सेट। कि अगर ए एंड बी में कोई भी समानता नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इवन आप इसको देखो वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो मैं यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट, यूनियन तो पहले दिखा दिया आपको, अब इंटरसेक्शन वाला दिखाता हूं कि वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कैसे आता है और ये जो डिसजॉइंट सेट है ये कैसे आएगा। देखो एक जनरल बताता हूं आपके साथ के लिए कि माना कि दो सेट्स है मेरे पास ए और बी, तो ए ये रहा और बी ये रहा, ये दो सेट्स हैं। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने देखा कि ये ए है ये बी है, इसको नंबर दो 1, इसको दो 2, इसको 3, इसको दो 4, ठीक है, ये किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। अब अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में तो वो सारे के सारा पोर्शन आ जाएगा जो ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, और कॉमन पार्ट हमेशा एक ही बार आएगा, तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी वो है जिसमें ए का भी एलिमेंट हो और वो एलिमेंट बी में भी हो, तो अगर मैं यहां कोई एक्स बनाऊं इधर ये एक्स, तो ये एक्स ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो टू ही वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो अगर ए एंड बी में देखू वेन डायग्राम में तो वो जो टू वाला पार्ट लिखा ना वो है ए एंड बी, तो ये जो हिस्सा है ये वाला ये आपका क्या है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब अगर मुझे वेन डायग्राम से डिसजॉइंट सेट भी दिखाना होता तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि मैं दो सेट ऐसे बनाऊंगा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट है ये ए और एक सेट है बी, ए और बी, अब नंबरिंग कर दो 1 2, तो अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी तो क्या आएगा, इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे उसमें सारे, प्लस बी के भी सारे एलिमेंट होंगे,
और अब आपको मैं बोलूं कि ए एंड बी, तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कोई भी पोर्शन शेडेड पोर्शन कॉमन है क्या इसमें? नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका? फाई, दैट इज नल सेट। तो क्या आ गया? नल सेट। और तब आप क्या बोलोगे कि जो ए और बी है, ए एंड बी आर आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है? ये भी क्लियर है हमको। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि मानो कि जैसे मैंने वो सबसेट वाला बताया था ना आपको यूनियन में, इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ए एक ऐसा सेट है जो है 1 2 3, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, और बी जो है ये इसका सबसेट है, इसमें एक एलिमेंट लिया 1, तो अगर आपने ए यूनियन बी किया तो क्या आएगा? पहले पढ़ाया था ये, तो ये 1 2 और 3 ये किसके बराबर आ गया? ये के बराबर ही आ गया, क्योंकि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। पर अगर मैं इसमें ए एंड बी करूं तो क्या आएगा? जो कॉमन दोनों में क्या है? सिर्फ 1 है, और वो क्या है? बी है। वो क्या है? बी है। तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि डबल स्टार लगा हुआ इसको भी, कि अगर अगर ए जो है, अगर बी जो है, सॉरी बी जो है वो अगर सबसेट है ए का, बी इज सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज, इंप्लाइज क्या इंप्लाई करता है? कि जो ए एंड बी है, ए एंड बी क्या आएगा? हमेशा बी आएगा। ए एंड बी हमेशा क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक ए एंड बी को आप जैसे उसको वेन डायग्राम से प्रूफ किया था ना, इसको भी प्रूफ कर सकते हो आप। देखो कैसे, कि अगर आप क्या करो कि ये ए और बी बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम में, है ना? अभी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा वेन डायग्राम का, वो तीन वाला वेन डायग्राम एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आपको अभी, जब यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, फिर एक बार दोबारा देखेंगे उसको, वो और अच्छे से उसको समझना है हमको, ठीक है? अब देखो मैं ए और बी को वेन डायग्राम बनाता हूं। माना कि ए और बी में नेचुरल नंबर ही है, तो एक ए बनाया मैंने, ए है, ये है ए, इसमें 1 2 3 है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और एक बनाया मैंने बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो ए में 1 2 3 है, बी में सिर्फ 1 है, तो आप क्या देख रहे हो? बी में जो एलिमेंट है वो ए में पहले से ही है, तो बी ए का सबसेट हो गया। बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। अब अगर मैं कॉमन पूछूं तो कॉमन तो यही है ना, बस कॉमन तो यही है, तो यही क्या है? ए एंड बी भी है, और दैट इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू बी। हमेशा वेन डायग्राम यूज करना एग्जाम में, तुमको बहुत सारी चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको जेई मेंस के, तो आपको और समझ में आएगा कि ये वेन डायग्राम कितना हेल्पफुल है। आपको बात समझ में आई होगी। अब अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ा था ना, अब देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो प्रॉपर्टीज से जाने से पहले एक बार मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बार ये थ्री वाला वेन डायग्राम आपको और थोड़ा क्लियर कर दूं, है ना? तो आप देखो मैंने दोबारा बनाया है एक बार ये वेन डायग्राम, कि इसमें ए बी सी तीन सेट्स हैं, और मैंने इनको नंबरिंग करा। देखो मैंने क्या किया, नंबर दिया पोर्शंस को, अलग अलग जो पोर्शंस है ना जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था उनको नंबर दे दिया। इसको नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा देखो मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ ना, इसके पीछे भी कुछ छुपा पड़ा है, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे ही नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ। पर अभी आप देख लो, अभी हमने चलो कुछ भी आर्बिट्री नंबर ले लिया, आप ऐसे सोच लो, ठीक है? अब आप देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या है इसमें, ए यूनियन बी, इसमें ए यूनियन बी क्या है, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी देखो क्या आएगा कि जो ए में भी एलिमेंट हो और बी में भी हो। तो ए में क्या है, देखो 1 वाला पोर्शन है, ए में 4 वाला पोर्शन है, 7 है और 6 है। और आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 4 और 7 ए में भी है और बी में भी है, तो वो 4 7 तो पहले आ गए, तो रिपीट नहीं करेंगे। प्लस क्या आ जाएगा, एक 2 अलग से आ जाएगा और एक 5 अलग से आ जाएगा। तो ये आप समझ में आया उसको ए यूनियन बी कैसे लिख दिया मैंने। अब ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप बी यूनियन सी लिखो, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी यूनियन सी आएगा मेरे पास, बी में देखो क्या है, एक तो 2 है, एक है 4 है, एक 5 है, एक 7 है। और आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 5 और 7 जो है ना वो बी में भी है और सी में भी है, दोनों कॉमन है, तो इनको एक ही बार लिखना है।
तो अब मैं एडिशनल जो बचा 3 और 6 वो मैंने यहां लिख दिया, 3 और 6 ये क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया। ऐसे अगर मैं आपको कहूं कि ए यूनियन सी क्या आएगा, तो पहले ए वाले सवाल लिख लो 1 4 7 6 ये आ गए। अब 7 और 6 आप देखो सी में भी है तो दोबारा की जरूरत नहीं है, तो आप एडिशनल वाला लिख लो 3 और 5 और ऐड कर दो, तो आपका ये ए यूनियन सी भी बन जाएगा, ए यूनियन सी भी बन जाएगा, है ना। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज ए एंड बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, तो ए एंड बी, ए एंड बी देखो क्या आएगा, ए एंड बी में क्या आएगा, कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 4 वाला पार्ट कॉमन है और एक ये 7 वाला पार्ट कॉमन है, तो 4 + 7 ये कॉमन आ गया। अब अगर आपको पूछे कोई बी एंड सी क्या है, बी एंड सी में देखो ये एक 5 वाला कॉमन है और एक 7 वाला कॉमन है, तो ये क्या आ गया 5 और 7 वाला हिस्सा आ गया। और अगर आपको पूछे कि सी एंड ए क्या है, सी एंड ए क्या है, तो इसमें आ गया आपको एक तो 6 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 6 + 7 अभी देखो आपको समझ में आया होगा ये, है ना। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखो तो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अगर कोई मुझे बोले कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में तो आपको पहले बताया मैंने कि सारे के सारे ये जो हैश करो ना ये ए यूनियन बी यूनियन सी है पूरा, इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे और सी के भी एलिमेंट होंगे, तो इसमें क्या आएगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है। अब शायद आपको और क्लियर होगा ये वाला डायग्राम, है ना। चलो और बताता हूं कि अगर ए खाली ए पूछे कोई तो कि सिर्फ ए हो तो उसमें क्या आएगा 1 4 6 7। कोई पूछे आपके सिर्फ बी के, बी वाला बताओ कि बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 5 7 ये बी के एलिमेंट्स हो गए। ऐसे को बोले सी में क्या आएगा, सी में आएगा 3 5 6 7 3 5 6 और 7, ठीक है। तो आई होप अब शायद और क्लियर होगा आपको, अब आप इनका यूनियन कर सकते हो, इंटरसेक्शन कर सकते हो, ठीक है ओके। और मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज, है ना।